नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों हुकूमत में लगे हैं उनको अब मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, यानी कि परमिट नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी ने पास्ट में कही एक ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उनको जो है परमिट किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, नंबर एक? नंबर दो, जो भी आपने कहा कि तीन मुल्कों ने भी बाइकआउट किया है, तो उस पर क्या फॉरन पॉलिसी पर असर पड़ सकता है? नहीं, ये जो डेली वेजर्स वाला विषय है, देखिए डेली वेजर्स वाले विषय पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आगे सोच रही है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि मिनिमम वेजेस, ठीक है मिनिमम वेजेस कम रखे गए हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस 9,000 रुपये मिनिमम, जो अनस्किल्ड था उसको 9,000 कुछ रुपये उसको मिले, जो सेमी स्किल्ड था उसको कुछ और ज़्यादा मिला है, और जो स्किल्ड था उसको और ज़्यादा मिला है। यानी आज कोई भी डेली वेजर, ठीक है ये जो कुछ डेली वेजर जो डेली वेजर रजिस्टर पर गए एडमिट ही नहीं थे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए थे, अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हुए लोग भी अपने आप को डेली वेजर मानते थे, लेकिन जो डेली वेजर था, यहाँ भी आप देखेंगे, मैं चर्च लेन में रहता हूँ, वहाँ एस्टेट मुलाजिम है, हमारे यहाँ भी 2-3 एस्टेट मुलाजिम काम करने के लिए आते हैं दिन में। मैंने उनको पूछा, उनने कहा जी हमको 6,000 कुछ मिलता था, अब हमको 9,000 मिलता है। तो वो एक चीज़ हमारी सरकार ने की है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने की कि स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड इनको किया है। हमारी ये मांग है कि भाई इससे ये बहुत कम है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेजेस पर लाइए। लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो ढेर सारे मुलाजिम हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई HDF में है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में है, कोई कहता है कि मैं किसी स्कीम के तहत लगा था, स्कीम ख़त्म हो गई तो नेचुरली वो ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। और इन मुलाजिमों के साथ रैबर खेल है, रैबरी जंगलात है, NYC वाले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के मुलाजिम हैं। सरकार को एक लीनियंट पॉलिसी लेकर इनका, जो जेन्युइन लोग इनमें से है, उनका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। मैं चीफ सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहूँगा, उनका अपना सोच है, वो बड़े आदमी हैं, हमारे स्टेट चलाते हैं, उन्होंने किस अंदाज़ में इस बात को कहा है, लेकिन हम बार बार इसी उम्मीद के साथ ये जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान लोग हैं, इनको हम विश्वास दिलाते हैं। आज हमारे इन्विटेशन पर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर 22 तारीख से और आज 25 तारीख तक, एक अलग ही माहौल जम्मू कश्मीर में रहा, विशेषकर कश्मीर में रहा। हम भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये G20 जो मेज़बानी भारत को मिली थी, उसमें से एक टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की एक बैठक G20 देशों की कश्मीर में हुई, एक मौका मिला जम्मू कश्मीर को, एक मौका मिला कश्मीर को अपने टूरिज़्म को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, इन G20 देशों को दिखाने के लिए। इसके कारण जो एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला हमारे टूरिज़्म को, ऐसा मौका मिला हमको, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के धन्यवादी हैं। और साथ में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जिस प्रकार से इसका आयोजन किया, जिस प्रकार से बड़ा साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में, 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से
निभाया है, ये बहुत बड़ी बात। देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज्म को जितना बूस्ट मिला है, जहाँ तक टूरिज्म की बात है, इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे, केवल टूरिज्म नहीं, इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात भी वहाँ चली, जो ट्रैवल एजेंट्स है वो बात भी वहाँ चली। ये बहुत बड़ी बात इस आयोजन के कारण हुई है। एक बहुत बड़ी बात जो हुई है कि हम कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की डाइवर्सिटी, कश्मीर में जो कल्चर है उस कल्चर का, कश्मीर में जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, कश्मीर में जो यहाँ दस्तकारी है, उस सारे का भी हम ग्लोबल दिखा सके, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ग्लोबल हमने अपने कश्मीर के सभी चीज़ों को किया है, यहाँ की ब्यूटी को किया, यहाँ की सीनरी को किया, यहाँ के ट्रेड को किया, यहाँ के दस्तकारी को किया, यहाँ के कल्चर को किया। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो फॉरेन डेलीगेट्स भी इंटरव्यू दे रहे थे कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कश्मीर के लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही है, उन्होंने तो करना ही था, लेकिन कश्मीर के लोगों ने भी जिस प्रकार से उनको हॉस्पिटैलिटी दी और उसका भी बहुत बड़ा उन पर एक असर गया है। और अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ मुल्कों ने रखी थी वो भी हमको ऐसा लगता है कि वो सब हट जाएगी और अधिक संख्या में यहाँ जो फॉरेन टूरिस्ट है, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आता ही आता है लेकिन फॉरेन टूरिस्ट भी अधिक मात्रा में यहाँ आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात।